नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कुछ नेता आजकल न्याय दिलाने का झंडा लेकर घूम रहे हैं, इनके नाम याद कर लीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी। हालांकि किसी के लिए न्याय की आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं कि इनके न्याय का चश्मा एक तरफा क्यों है। जो दर्द ये हाथरस जाकर दिखाते हैं, वही दर्द ये राजस्थान में क्यों नहीं दिखा पाते, जहां एक पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है। सवाल तो उठेगा कि क्या इनके विरोध के एजेंडे में सियासत की मिलावट हो चुकी है? क्या ये सब कुछ वोट बैंक के नाम पर किया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा 200 किलोमीटर दूर हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके घर से चंद किलोमीटर दूर 19 साल के राहुल को जान से मार दिया जाता है, क्योंकि वो दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार करता था। हत्या का आरोप लड़की के परिवार वालों पर है। वहां ये विरोध वाला ब्रिगेड क्यों नहीं पहुंचता? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। न्याय का एक तरफा चश्मा क्यों? जब पुजारी को पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया जाता है तो आवाज नहीं खड़ी होती, जब राहुल को मारा जाता है तो कोई आवाज नहीं निकालता, लेकिन अखलाक की बारी सारी आवाजें निकल के आती है। आखिरकार अगर न्याय है तो यह संपूर्ण न्याय क्यों नहीं है? इस न्याय में मिलावट क्यों है? आज का आर पार इसी पर होगा। आज इंसाफ के नाम पर सियासी खेल खेलने वालों का पर्दाफाश होगा। ये तीन तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से देश की सबसे बड़ी खबर बनी हुई, लेकिन सियासत का जोर देखिए। हाथरस में नेताओं का तांता लग जाता है। राहुल प्रियंका भागे भागे हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन राजस्थान के पुजारी के परिवार का दर्द इन्हें शायद नहीं दिखता। ओ मेरा आदमी के जीता कहीं आगे लगा दी। गहलोत जी तो वही करेंगे जो गांधी परिवार उनसे कहेगा। गांधी परिवार कहेगा कि हाथरस जाने के लिए 100 बसें बॉर्डर पे खड़ी कर दो, तो राजस्थान परिवहन की 100 बसें बॉर्डर पे गहलोत जी खड़ी कर देंगे। गांधी परिवार कहेगा कि पुजारी जी के मामले में चुप हो जाओ, तो गहलोत जी चुप होके बैठ जाएंगे। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कि तब का गिरा हुआ राहुल गांधी आखिर उठेंगे कब और राजस्थान जाएंगे कब। राहुल प्रियंका दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस पहुंच जाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी दल बल के साथ वहां पहुंच जाती, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जहां ये तमाम नेता रहते हैं, जहां इनकी पार्टियों का मुख्यालय है, वहां 19 साल के राहुल को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि उसे मुस्लिम समुदाय की एक लड़की से प्यार हो गया। राहुल की हत्या का आरोप लड़की के परिवार वालों पर है। अरे डिमांड हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, बस जितने भी बंदे ना सबको तो सजा मिलनी चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा तो कोई भी नहीं आवा के पीछे, मैं तो बर्बाद हो गई बिल्कुल ही। सवाल बहुत सीधा है, क्या हाथरस में न्याय के नाम पर वोट बैंक साधने का खेल चल रहा था? तेजस्वी यादव तो खुलेआम इस वोट बैंक का कारनामा दिखा चुके हैं। तो क्या न्याय के नाम पर कुछ नेता जो झंडा लेकर घूम रहे हैं, उसके पीछे सोच एक तरफा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। न्याय का एक तरफा चश्मा। और अब विश्लेषण सुनिए न्याय के एक तरफे चश्मे का। न्याय ब्रिगेड पुजारी के परिवार से मिलने क्यों नहीं पहुंची? न्याय ब्रिगेड दिल्ली में राहुल के परिवार से क्यों नहीं मिली? सियासी फायदा देखकर तय होता है नेताओं का एजेंडा। न्याय के नाम पर वोट बैंक साधने से का बनता है प्लान। न्याय का चश्मा एक तरफा क्यों है? आखिरकार अगर हाथरस में बहुत ही दुखद हादसा हुआ तो राजस्थान के बारा में भी दुखद हादसा हुआ, बलरामपुर में भी दुखद हादसा हुआ, लेकिन चश्मा सिर्फ एक तरफ का था।
बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि हाथरस में जो विक्टिम थी वो दलित थी, इसलिए वहां वोट बैंक दिखा। लेकिन बलरामपुर में क्यों नहीं गया जाया गया, बारा में क्यों नहीं गया कोई, और दिल्ली के राहुल को मार दिया जाता है और सब चुप बैठते हैं दिल्ली के अंदर, कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग शांत है, लुटियत गैंग साथ है, खान मार्केट गैंग शांत है, कोई कुछ नहीं बोलता। राहुल तो किसी का बच्चा ही नहीं था जी, उसकी मां कह रही है मैं उजड़ गई हूं, मेरा बच्चा चला गया, मेरे लिए बचा क्या है, ना मुझे आगे देखने वाला कोई, ना मुझे पीछे देखने वाला कोई। आप दर्द महसूस करिए, सबको दर्द होता है, बच्चा किसी का जाए, अगर हाथरस की मां की बेटी गई है तो दिल्ली में राहुल की मां का भी बेटा चला गया है। इसलिए न्याय का यह चश्मा एक तरफा क्यों है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ मौजूद है, अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ संगीत रागी है, प्रोफेसर है और संघ के विचारक हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं असीम बकार साहब, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं, मौलाना साजिद रशीदी है, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले संगीत रागी आपके पास आता हूं और सीधा सवाल पूछता हूं, न्याय का चश्मा एक तरफा क्यों है? देखिए, ये भारत के अंदर कोई पहली बार हो रहा है और आज़ादी के बाद हो रहा है, ऐसा नहीं है, आज़ादी के पहले भी हो रहा है। जब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी, बहुत सारे मोपला में लोग मार दिए गए थे, तब भी गांधी जी भी तक नहीं बोलते थे और गांधी जी भी इतना डरते थे कि वो मुसलमानों के खिलाफ यदि कुछ बात हो जाती थी तो उसका वो जिक्र ज़रूर कर देते थे, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हो जाती थी तो इसके बाद वो भी चुप्पी साध जाते थे। ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी किताब पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने बहुत विस्तार से इस पर जिक्र किया है। देखिए, एक बात और, दूसरी बात मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि एक प्रावधान है जिसमें है कि यदि लड़की आपको बहुत ही पसंद आए लेकिन यदि वो इस्लाम को नहीं मानने वाली है तो उसके साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं, और यदि लड़का बहुत पसंद आए और जब तक वो आप कन्वर्ट नहीं करते हैं इस्लाम में तब तक उसके साथ शादी नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्था कुरान की है। मैं नहीं जानता कि क्या यही कारण है कि इस प्रकार की कट्टरता कहाँ से आती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस पर यह बात सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके कारण इस प्रकार की कट्टरता आती है। और आप जो काफिर जिन्हें आप कहते हैं, जिसे आप अपने आसमानी किताब के अंदर काफिर आप परिभाषित करते हैं, उसको हत्या करने के हद तक आप चले जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात है, ये घटना दिल्ली के अंदर घटती है। राहुल गांधी नोएडा चले जाते हैं, राहुल गांधी हाथरस चले जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना यहाँ से दूर घटती है और राहुल गांधी का ना एक ट्वीट आता है, ना प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है, ना राजस्थान के लिए ट्वीट आता है, तो तब लगता है कि इनकी ये क्या है, हिंदुओं के मरने पर ये संवेदना शून्य हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुओं के बहस को हिंदू मुसलमान के दायरे में नहीं बैठना चाहिए, इंसाफ और न्याय के दायरे में बांटना चाहिए, जो बड़ा आवश्यक है। हम न्याय के दायरे में बात कर रहे हैं अमीश जी, मैं यही बता रहा हूं कि वो हिंदू वो न्याय की जो परिभाषा है वो हिंदुओं पर लागू क्यों नहीं होती है, ये सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू क्यों होती है, और ये मोपला से लेकर के आज तक भारत का हिंदू समाज यही क्यों झेल रहा है, इसकी गहराई में विस्तृत इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आपको रिपोर्ट किया, लेकिन जी अमीश जी, ओके मैं आपका रुख करता हूं। अभय दुबे, न्याय का चश्मा एक तरफा क्यों है? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिरकार बारा क्यों नहीं जाया जाता? राजस्थान में एक पुजारी को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया जाता है, वहां क्यों नहीं जाया जाता? राहुल को भी तो न्याय ही चाहिए, जिसकी मां अभी रोती हुई आपको हमने दिखाई, क्यों नहीं जाया जाता? उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? ट्वीट क्यों नहीं होते? पूरी ब्रिगेड काम पे क्यों नहीं लगती? इसका दुख आपको नहीं होता अभय दुबे? मैं आपसे जानना चाहता हूं। अमीश देवगन जी, उम्मीद करता हूं कि जितना समय संगीत रागी जी को अनइंटरप्टेड दिया है, मुझे भी प्लीज सुनिएगा आप, हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी।
इस देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? उनकी सत्ता की सरपरस्ती में राहुल का कत्ल कर दिया मोदी जी, कहां हो आप? इसके पहले फरीदाबाद में एक मुस्लिम परिवार से संजय ने शादी की, संजय को फरीदाबाद बुलाकर राजस्थान से कत्ल कर दिया, मोदी जी कहां हो आप? मोदी जी आप उत्तर प्रदेश के सांसद हो। औरैया में 3 साधुओं का गला रेत के हत्या कर दी, मोदी जी कहां हो आप? बुलंदशहर में मोदी जी 2 साधुओं को मंदिर में पीट पीट कर मार दिया गया, आप उत्तर प्रदेश से आते हो, मोदी जी कहां हो? एक शब्द क्यों नहीं बोलते हो? गोंडा में सीने में पुजारी के गोली उतार दी, योगी जी मोदी जी कहां हो आप? आज हाथरस की बिटिया ने हाईकोर्ट में कहा और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि अगर बड़े परिवार की बच्ची होती तो क्या ऐसी रात के अंधेरे में पेट्रोल डालकर आग लगा देते? वो बच्ची के परिवार कह रहा है कि एसआईटी तक धमकाती रही मोदी जी उस बच्ची के परिवार को, उसके सीने पर डीएम ने उसके ताऊजी के सीने पर लात मारी मोदी जी, उस बच्ची का 20 तारीख को स्टेटमेंट लिया, 14 तारीख को बलात्कार हुआ था, मोदी जी कहां है आप? हाथ जोड़कर देश पूछता है, आज प्रार्थना कर रहा है देश कि चाहे उन्नाव हो या हाथरस, जहां भी सत्ता की सरपरस्ती में अपराधियों का संरक्षण होगा वहां राहुल गांधी जी जाएगा, चाहे वो रोहित वेमुला की मौत हो, चाहे गुजरात में दलितों का प्रताड़ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, और आज मध्य प्रदेश के मंडला की 12 बच्चियां अबे दुबे जी, अबे दुबे जी, आपने लगभग 2 मिनट बोल लिया, अब मैं आता हूं। आपने बोला था कि मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैंने तो आपको डबल टाइम दिया 2 मिनट का। आपने काफी सारे पॉइंट्स बोले, काफी अच्छे उसमें वक्तव्य भी थे, खासतौर पर हाथरस को लेकर जो आज हाईकोर्ट पे हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बलरामपुर पे राहुल जी का कोई ट्वीट आया? हो सकता है हमारे संज्ञान में नहीं आया हो, आप बता दीजिए। प्रियंका वाड्रा का कोई ट्वीट आया? 12 को लेकर कोई ट्वीट आया? पुजारी को पेट्रोल डाल के मार दिया गया, कोई ट्वीट आया? राहुल के बारे में कोई ट्वीट आया जो दिल्ली में हुआ, उसके बारे में कोई ट्वीट आया? जानकारी दीजिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोले क्या? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बोले क्या? नरेंद्र मोदी हाथरस गए थे? सवाल आपसे, जवाब दीजिएगा ईमानदारी से, कितने ट्वीट आए हैं बताइए आप? कितने ट्वीट आए और कितने नेता गए इस जगह? आप मेरे को जानकारी दे दीजिए, 25 सेकंड आपके। देख, सवाल का जवाब दीजिएगा आप जी, ईमानदारी से। ईमानदारी से बोलता हूं, बिल्कुल जी बिल्कुल। राजस्थान में अमीश देवगन और न्यूज 18 के निर्भीक पत्रकारों को रोका नहीं गया, राजस्थान में पुजारी के परिवार को बंधक पुलिस ने नहीं बनाया, 12 में पुलिस ने बंधक नहीं, जहां जहां भी मैंने कहा है कि सरकार की सरपरस्ती में अपराधियों को शरण देगी, ट्वीट नहीं किया राहुल गांधी ने, बीजेपी ट्वीट नहीं किया प्रियंका गांधी ने, सबको जाना पड़ेगा तभी न्याय मिल पाएगा। आज हाथरस की बिटिया को अगर न्याय मिल रहा है तो वो सीधा सीधा राहुल जी और प्रियंका जी ने जिस प्रकार मोर्चा संभाला, मैं या राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। आप तो कह रहे हैं कि जो न्याय मिल रहा है वो राहुल गांधी की वजह से मिल रहा है, अभी आपने बोला, अभी आपने राजनीतिक माइलेज भी ले ली, ये तो नया प्रकरण हुआ है, अभी अभी डिबेट के अंदर आपने माइलेज भी ले ली, आपने बोला कि आपने माइलेज भी ले ली। देखिए, इंसाफ नहीं मिल रहा था, लेकिन 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 राहुल गांधी जी के जाने से, प्रियंका वाड्रा के जाने से इंसाफ मिल गया, आपने तो माइलेज भी ले ली, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अबे जी, मुझे अफसोस रहेगा इस बात का कि आखिरकार 12 में क्यों नहीं कोई गया? पुजारी को पेट्रोल से जिंदा जला दिया गया, वहां पर कोई क्यों नहीं कोई गया? राहुल को मार दिया गया, एक लड़की से प्यार करता था, जो भी विषय था, क्यों नहीं कोई गया? किसी ने, आप तो अपने 4 नेताओं के नाम नहीं गिरा पाए। प्रताड़ना नहीं दी गई सुधांशु चतुर्वेदी, ये जो प्रताड़ना दी गई है ना हाथरस में, इसलिए सारे लोग वहां एकत्रित हैं, वहां तो उस आवाज उठाने वालों को बर्बरता से मार रहे हैं योगी जी और मोदी जी, रात के अंधेरे में 3 बजे सुधांशु चतुर्वेदी को आता है। अब आपने अपना वक्त लिया पूरा, आपने अपनी बात को रखा, पिछले 4.5 मिनट से आप भी बोल रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का मैं रुक कर दिया, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जहां जहां इंसाफ नहीं होगा वहां वहां राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी प्रकट हो जाएंगे और वो इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन पुजारी को राजस्थान में मारा जाता है, इंसाफ नहीं मिलता। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बीचों बीच जहां आप भी रहते होंगे उससे 20-25 किलोमीटर दूर एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो प्यार करता है किसी से, कोई भी विषय हो, किसी को मार दिया जाएगा क्या? और कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई इस पर आवाज नहीं उठाएगा, कोई कार्यक्रम नहीं करेगा इस देश के अंदर भाई, क्यों? अमित जाने इतनी सस्ती है क्या? अभय दुबे जी ने अभी बहुत आवेश में, आक्रोश में क्या बोल दिया, आप रिवाइंड करके देखिएगा, उन्होंने अपने वक्तव्य के पहले अंश में यह बोला, आज हाई कोर्ट ने बुलाकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को जवाब तलब करके ये कहा
कि अगर वो बड़े घर की होती तो क्या ऐसे ही होता, और अंतिम वाक्य में क्या बोला, राहुल और सोनिया, राहुल और प्रियंका जी की वजह से न्याय, मतलब आपका कहने मतलब हो गया हाई कोर्ट जिसने स्वतः संज्ञान लिया था वो राहुल और प्रियंका की वजह से हो गया। मान्यवर आप बुद्धिमान व्यक्ति, आपने क्या तर्क दे दिया, या अपनी पार्टी के राजनीतिक पूर्वाग्रह को सिद्ध करने बिल्कुल सही और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, उच्च न्यायालय जिम्मेदारी से बोल रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सर्वविदित सत्य है कि पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। क्या लिया था, देखिए मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला था अवैध दुबे जी, आप बोलते रहे पूरे जोश और खरोच से, आक्रोश और उच्छंकता से, मैंने शांति से सुना। अब दूसरी बात, आपने कहा योगी जी और मोदी जी, हाथरस में पहली जो एफआईआर दर्ज हुई उसके भाई ने 8 दिन के बाद की एफआईआर में कहा है कि मुझे उसके बाद पता चला कि मेरी बहन के साथ गलत दुष्कर्म भी हुआ, उसके अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज हुई। और उधर देखिए आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला, आप पूरी बात सुनिए, चारों आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी की जांच टाइमबद्ध, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा, सीबीआई को रेफर, और सरकार ने कह दिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दिशा निर्देश में मॉनिटरिंग में भी अगर वो हो तो हमें कोई समस्या नहीं है, हमारे योगी जी और मोदी जी कार्रवाई करते हैं, जाते नहीं, आप कह रहे कहां है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, सवाल तो तब है जब यहां है पर वहां क्यों नहीं है, हाथरस में है तो बलरामपुर में क्यों नहीं है, और जहां तो आप केवल एक इशारा करते, मोदी जी ने बात किया था ना योगी जी से, अरे आपने बात किया अशोक गहलोत से, एक आंख का इशारा करते राहुल गांधी और देखते क्या होता, चाहे 12 की घटना हो, सरदार शहर में पुलिस कस्टडी में राजस्थान में व्यक्ति मार दिया जाता और रातों रात उसकी लाश भी जला दी जाती है, मृत शरीर जला दिया जाता है तो कुछ नहीं होता है, 12 में मुख्यमंत्री यह बयान दे रहे हैं लड़की अपनी मर्जी से गई थी, अरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं लड़की अपनी मर्जी से गई थी, और इस राजस्थान में आपने देशद्रोह के मुकदमे लगाए हैं जिसके लिए आपने अपने शपथ पत्र में कहा था, घोषणा पत्र में, कि हम तो ये चाहते नहीं, मगर किसी अपराधी पे लगा रहा सबका, अपने विधायकों पे लगा है, और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, हमने नहीं कहा, भाजपा नहीं कहा, आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा है। और मैं फिर अंत में कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले आपके बड़े नेता उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर बड़ी चिंता की बात किए थे कि बड़ा दुखद हो रहा है, परंतु उस पार्टी का एक शब्द नहीं निकला राजस्थान में, और ये वही राजस्थान है जहां चुनाव के दौरान, मैं पुनः कह रहा हूं, चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी ने पुष्कर में आकर अपने को परम शिव भक्त दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहनने वाले कौल ब्राह्मण घोषित किया था, आज बेचारे उस जनेऊधारी ब्राह्मण के ऊपर मुंह में दही, ठीक है, अब अब इसलिए मैं कह रहा हूं, अबे दुबे, अबे अबे दुबे, सब जगह आपकी व्यथा, आपकी आपकी चिंता, करौली में पुजारी को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है क्यों नहीं होती, राहुल को मार दिया जाता है प्रेम प्रसंग के अंदर क्यों नहीं होती, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये जवाब देंगे? हाँ अमीश देवगन जी, देखिए अभी तो बहुत गलत बात कही सुधांशु त्रिवेदी जी ने, उस बिटिया का बलात्कार 14 तारीख को हुआ, 15 को होश आ गया था, उत्तर प्रदेश की पुलिस 20 तारीख को पहुंची है, और उस बेटी के भाई ने कहा कि तत्काल दो शब्द एक नाम बोलकर वो बेहोश हो गई थी, और 15 तारीख को उसका होश आया, 22 तारीख को वेजानेल स्वैब लिया है पुलिस ने और क्लीन चिट दे दी, ये कह दिया कि बलात्कार हुआ ही नहीं, वो ट्यूबिक हेयर की जांच, आप मेरे सवाल से बच क्यों रहे हैं, अबे जी आप मेरे सवाल से बच क्यों रहे हैं, आप करौली पर क्यों नहीं बोलना चाहते, अरे आपके नेता जाना नहीं चाहते, आप बोलना नहीं चाहते, पुजारी की निर्मम हत्या हुई, पुजारी की निर्मम हत्या हुई, पेट्रोल डाल के जला दिया गया, सामान्य घटना है ये, दिल्ली में राहुल को मार दिया गया सामान्य घटना है क्या, मैं आपसे सवाल पूछता हूं ना, आपने हाथरस की बात करी पिछले 15 मिनट के अंदर, लेकिन आप करौली पर क्यों नहीं बोलना चाहते, दिल्ली के अंदर क्यों नहीं बोलना चाहते, दिल्ली के अंदर जो हुआ राहुल को जो मार दिया गया, राहुल राहुल उस माँ का उसके उस माँ के आंसू नहीं दिखते आपको, मारा मुस्लिम परिवार, मुस्लिम संजय को भी मारा मुस्लिम परिवार ने राहुल के पहले, अमित शाह जी की सीधी जिम्मेदारी, अमित शाह जी के अंडर में पुलिस है, आप मुझे बताइए करेली में न्याय किया कि नहीं किया, हाथों हाथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया, वहां पर बंधक नहीं बनाया, वहां न्याय दिया और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार हुआ, मोदी जी के बात करने के बाद योगी जी ने संगीत की कुछ कर नहीं 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 अमीश जी, और आज मुझे गंभीर आपत्ति है, संगीत रागी जी ने महात्मा गांधी जी पर आरोप लगाया है, गंभीर आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महात्मा गांधी जी को अपराधी बताएगा, कितनी शर्मनाक बात है ये। संगीत रागी
आप अपनी भाषा या तो आप में आप तो मैं या तो मेरी भाषा नहीं आपको समझ में आई ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप दोबारा इसे सुन लीजिएगा कि मैंने क्या कहा है। मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद तक इस देश का हिंदू ही पिटते रहा है। 22% मुसलमानों के लिए 35% जमीन देने के बावजूद भी आज भी हिंदू पीट रहा है। यही इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा राजनैतिक नेतृत्व इतना बुजदिल और कायर 70 साल का रहा, जिसने कभी भी ये सच बोलने की हिम्मत नहीं की पटेल की तरह, आज क्या that you cannot ride two horses। यदि तुम्हारी मानसिकता तो पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान जा सकते हो, भारत में रहना है तो हिंदुस्तान की मानसिकता से जीना सीखो। रही बात यहाँ पर, अभी हम दोनों सुन लीजिए पहले राजस्थान 2009 सुनिए पहले आप भारत के बंटवारे का खलनायक बताया, सुन लीजिए मैंने आपको हस्तक्षेप नहीं किया था, सुनिए मेरी बात। मोदी जी सुनिए 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 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय सर सुनिए धैर्य रखिए, आप में इतनी ताकत नहीं है, आपकी कांग्रेस पार्टी की इतनी नैतिक हिम्मत नहीं है कि इन चीजों पर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सके। देश को बेचने वाली पार्टी और मुसलमानों के हाथ में गिरवी रखने वाली पार्टी नैतिकता की बात नहीं करे। रही बात राजस्थान की, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। आपने रख दिया था हिंदुस्तान को गिरवी 1925 से आपका संगठन है, आपने आजादी के योगदान का एक उल्लेख बता दीजिए, एक नाखून कटा हो तो मुझे मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का आरोपी बताते हैं, 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करवाने वाला, 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला कांग्रेस पार्टी, ये मत बोले। अरे एक तो उदाहरण दीजिए, हिंदुओं के लिए 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कटवा दिया, तो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं मानते, सिर्फ सत्ता के लिए स्वयं सेवक संघ आदमी पंचों से कहता है, सत्ता के उन कातिलों को आप धर्म बनाकर कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, आप ही उन आतंकवादियों के शरण में आप ही देते रहे। अरे छोड़िए, क्या आप मानेंगे कि नहीं सरदार राजनीति के सिक्के पर बिकने वाले हिंदू धर्म की बात करते हैं? आपने भारत के राजनीति के चौसर पर बिकने वाले गांधी परिवार नैतिकता की बात नहीं करे, कांग्रेस पार्टी नैतिकता की बात नहीं करे, सुन लीजिए पहले ध्यान से। मैंने सुना है सर, इसलिए मुझे बोल लेने दीजिए, 10 सेकंड में बोल रहा हूँ बस। चाहिए संगीत रागी जी हमको, साधु एक बार राजस्थान के जिन दो साधुओं को जी के खिलाफ एक साधु जिसकी जो जिनको जला दिया गया, आपकी पुलिस कह रही कि उन्होंने आत्मदाह किया है, शर्म आ रही है आपको? उत्तर प्रदेश में गर्दन रेत दी, उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है तीन साधुओं की मंदिर में घुसकर, बुलंदशहर में दो साधुओं की मंदिर में घुसकर गोंडा में गोंडा में गोली मार दी, क्रिश्चियन मिशन योगी जी और मोदी जी खेलने वाली कांग्रेस की राजनीति, देखिए राजनीति करना बंद कर, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने, ठीक है? न्याय दिया है। अब मैं आप दोनों को मैं अफीम वकार का रुख करता हूँ, फिर संगीता की मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर त्रिवेदी आपके पास भी आऊंगा, साजिद रशीदी भी इंतजार करें। असीम वकार, ये सिलेक्टिव एजेंडा क्यों होता है? पालघर में साधुओं की हत्या होती है तब भी आक्रोश नहीं होता, अगर बलरामपुर में रेप होता है तो उसका उसके वो भी तो उतनी खराब परिस्थिति है जितनी हाथरस में है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, 12 में भी उतनी खराब परिस्थिति है, या फिर करौली में भी उतनी खराब स्थिति है, और दिल्ली के एक राहुल को तो किस विषय पर मार दिया जाता है, और उसकी माँ का अगर आपने अभी वीडियो देखा हो तो किसी का भी दिल भरा आएगा। ये सिलेक्टिव एजेंडा क्यों है? और वैसी साहब भी कुछ नहीं बोले, संगीत रागी ने बड़ा ज्ञान यहाँ टीवी पर बैठकर बताया मुसलमानों के बारे में, कुरान की तालीम के बारे में, तो अब सब मुझ पर तो फर्ज हो गया, लाजिम हो गया जवाब देना। अब इतना ज्ञान अगर संगीत रागी जी को इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, उसकी तालीम के बारे में है, तो कैसे इस प्रोफेसर टाइप के आदमी को अपने बारे में ज्ञान नहीं है? आप मुझे बता कैसे ये बताया नहीं, बोला तो आप सुनिए ना, ये कैसे हो सकता है? सच बता दीजिए, चश्मे से कोई ना देखे विषय न्याय का है या नहीं बोलती है, तो आप मुझे गलत ठहरा दीजिए। अच्छा अब आप शांत रहेंगे रागी साहब, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मजबूरन। रागी साहब मेरे निवेदन स्वीकार करिए ना, आपने बोला वो पहली बार आ रहे 21 मिनट के अंदर, आप प्रोफेसर हैं, आपके बच्चे भी आपसे कुछ सीखते होंगे, निवेदन स्वीकार करिए मेरा, बोलिए। सर इसी हिंदुस्तान में, इसी भारतवर्ष में, हमारे जो सबसे मेजॉरिटी में जो तबका रहता है दलित भाइयों का, उन दलित भाइयों के साथ
संगीत रागी साहब के लोग और संगीत रागी साहब का जो बिरादरी है वो ये करती थी कि साहब जब वो सड़क पे चलते थे तो उनकी परछाई भी ना पड़ने पाए, और जब दलित चलते थे तो उनको सड़क धोई जाती थी। आजकल टीवी पे एक सीरियल आ रहा है चैनल्स के ऊपर अंबेडकर जी के ऊपर, और साहब कितना कमाल का सीरियल बनाया गया है। संगीत रागी साहब देखते नहीं है, मेरे मशवरा है देखें कि साहब कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं दलितों को। और साहब अगर अंबेडकर साहब जब स्कूल जा रहे थे तो संगीत रागी साहब की जो बरादरी थी वो अंबेडकर साहब को अपने क्लासरूम में नहीं बैठने दे रही थी। दलितों को क्लास में बैठने का हक नहीं, दलितों को स्कूल जाने का हक नहीं, दलितों को पानी भरने का हक नहीं। आपने इस विषय में बोल दिया, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। दलितों को किसी के साथ खाना खाने का हक नहीं। साहब कितना मतलब कितना क्रूर समाज है ये कि संगीत रागी का अंदर इस प्री इस्लामिक देश में कौन सा समाज था, इतनी गिलाजत, इतना नफरत, इतना क्रोध, जितना दूसरों के लिए नफरत लाते कैसे हैं? के साथ रेप करता वो कैसा समाज हो सकता है? वो कैसा समाज हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ, आप इतनी नफरत दलितों के लिए लाते कहाँ से? हिंदू धर्म में, आपके धर्म में, आपकी बिरादरी में दलितों के साथ इतनी नफरत कैसे लाते? नफरत नहीं है, मुझे पूछना चाहता हूँ किसी से नहीं है। अगर एक बच्ची, एक दलित बच्ची मनीषा, हाँ मुझे एक दलित बच्ची मनीषा, उसके इंसाफ के लिए लोग अगर खड़े हो गए देश के, तो साहब संगीत रागी साहब का पूरा समाज इंक्लूडिंग आईबीएन 7 के पत्रकार जनाब अमीश देवगन साहब, आप सब ने कमर कस ली कि उसको नहीं इंसाफ दिलने देंगे। मतलब दलित है तो उसका बलात्कार होना चाहिए। देखिए देखिए आप कितनी गलत बात बोल रहे हैं। उसका बलात्कार हो जाना चाहिए, इसका विषय मीडिया ने उठाया। दलित है तो उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। 14 दिनों से इस देश में सिर्फ हाथरस की चर्चा हो रही है, लेकिन लेकिन आप लोगों को दिक्कत यह है कि इसके अंदर करौली कैसे शामिल हो सकता है, इसके अंदर राहुल का विषय कैसे शामिल हो सकता है, इसमें बलरामपुर कैसे शामिल हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने बलात्कारी हैं सबको सजाए मौत दीजिए, चाहे वो बलरामपुर के हो, चाहे वो मंदसौर का जो मुसलमान लड़का था जिसने मंदसौर की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। मैं तो खुद कह रहा हूँ आपको दिक्कत है, अगर मुसलमान बलात्कार करता है तो सबसे पहले उसको फांसी पे चौराहे पे लटका दीजिए। बलात्कारी मुसलमान नहीं, बलात्कारी को बलात्कारी चैनल पे ऐलान कर रहा हूँ। ये चश्मा आपका है, मुसलमान वही चश्मा चौराहे पे लटका दीजिए उसको, वो चश्मा उतारिए। ये चश्मा समाज के लिए घातक है, मेरे भारत के लिए घातक है। सुधांशु चतुर्वेदी, बलात्कार हो रहा है सुधांशु चतुर्वेदी, तो उसमें आप अमीश देवगन को बचाएंगे नहीं उसको बलात्कारी? आप लोग बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाएंगे? अमीश देवगन साहब करौली में जो अंबानी साहब का चैनल है, करौली में जो सही हुआ क्या? बड़े आदमी करौली में जो चैनल बच्ची के विरोध में जो हुआ वो सही हुआ क्या? क्या मनीषा के विरोध में ये लोग बात भी नहीं करना चाहते? देखिए ऑडियो ऑन करिए इनका, संगीत रागी देखिए, ये बात भी नहीं करना चाहते तो दिल्ली में राहुल के साथ हुआ, एक्नॉलेज ही नहीं करते उस सवाल को। सोच सकते हैं आप, पिछले 14 दिनों में हाथरस की बात हो रही है, 15 दिनों से हो रही है, मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ के सिर्फ हाथरस में होना चाहिए? बलरामपुर में इंसाफ नहीं होना चाहिए? राहुल की मां को इंसाफ नहीं चाहिए? करौली के पंडित के बच्चों को और बीवी को इंसाफ नहीं चाहिए? इंसाफ में कमाल है, चश्मा ही एक तरफ का है कि उस तरफ हम देखेंगे जहां वोट बैंक पॉलिटिक्स है, डीएम पॉलिटिक्स जिसकी मायावती बात करती थी, MY जिसकी समाजवादी पार्टी दिन रात बात करती है, मुलायम सिंह यादव ने ऑन रिकॉर्ड कहा है जी, मुस्लिम यादव, दलित मुसलमान, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा होगा? तेजस्वी यादव तो रंगे हाथ पकड़े गए कांग्रेस के नेता से बात करते हुए ऑन स्टेज। लेकिन चश्मा एक तरफ का है, वो एक तरफ का चश्मा इतना घातक है कि रिलाइज ही नहीं करते कि इंसाफ की डगर पर सब बराबर होते हैं। अगर मैं 15 दिनों से हाथरस की बात करूं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैं राहुल की बात करूं? आप बताइए व्यूअर्स, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि राहुल का सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्या करौली पे सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्या बलरामपुर पर सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं सुधांशु त्रिवेदी। देखिए असीम वकार साहब अभी विषयांतर करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, इसलिए उस विषय के ऊपर एक जवाब देना बहुत जरूरी है।
ये असीम वकार साहब कहां से दलितों के बारे में बोलने लगे? और अगर बोलने लगे और इनके दिल में इतनी ही इच्छा है, और अभी उन्होंने संगीत रागी जी के बारे में कहा कि साहब उन्होंने धार्मिक पुस्तक के बारे में कहा तो लाजमी है जवाब देना, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे यहां तो ये स्थिति है, वाल्मीकि समाज की बेटी थी ना वो, भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, संस्कृत के आदि कवि, रामायण के रचयिता, उनके लिए क्या कहा गया? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वो ब्रह्म के समान हो गए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं असीम वकार साहब, मैं उत्तर नहीं दूंगा, असीम वकार साहब आप ये बताइए, आपकी धार्मिक मान्यता के अनुसार सर आप कैसे कमाल की बात कहते हैं? बगैर मुस्लिम मरे किसी दलित को जन्नत मिलेगी? बोलिए हाँ या ना। ज्योतिष आदमी है साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं सुधांशु जी। अरे असीम वकार साहब आप बताइए, बात कीजिए आप बताइए, यहाँ दलितों के हिसाब से मुस्लिम बने किसी दलित को जन्नत मिलेगी? आप बलात्कारियों को नहीं देंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? दलित बच्ची है तो आप बलात्कारियों के साथ बोलिए ना। जो मैं पूछ रहा हूँ आपने धार्मिक पुस्तक की बात कही थी, जवाब दीजिए मुझे। मैं जवाब मैं नहीं बोल रहा हूँ। संगीत रागी में आपको आपत्ति थी, संगीत रागी ने क्यों बोल दिया? अपने में आप बोलिए, आपकी धार्मिक मान्यता के अनुसार वो जन्नत में जाएंगे तो अपने में ठीक है, असीम जन्नत में जाएंगे। पार्लियामेंट है, आपने देश के संविधान की शपथ ली है, फिर मैं दूसरी बात, शपथ ली है कि आप संविधान की रक्षा करेंगे, तो आप क्या बलात्कारियों का साथ खड़े हो जाएंगे? आप सुन ही नहीं रहे डॉक्टर त्रिवेदी, बलात्कार तो गोरखपुर में हुआ, वहां क्यों नहीं होना चाहिए? आपके लोगों ने बलात्कारियों के नाम शायद शाहिद की बच्ची का बलात्कार किया, बलात्कार तो जम्मू कश्मीर में इतने हुए। आपने तिरंगा रैली निकाली, आपने तिरंगा रैली, मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आप बच गए, भागे भागे भागे। मतलब क्या हमारे तिरंगा बलात्कारियों के? बताइए अभी आपने सीए के लिए आंदोलन किया, सीए के तहत पाकिस्तान से आए जो हिंदू मांग रहे थे 80% दलित, क्या कहा था आपका दलित प्रेम वाले बलात्कारियों के? जम्मू कश्मीर में इसी पार्टी की समाज के लोगों करवाएंगे, चार पीढ़ी तक कहा गया कि पीएससी करने के बाद भी तुम प्रोफेसर नहीं करोगे, सफाई कर्मचारी बनोगे, कहा था दलित प्रेम? उसको अंतिम जवाब दीजिए, आपको किया जाता है सुधांशु ने एक सवाल पूछा, आप जवाब देंगे? साजिद रशीदी, क्या प्रोफेसर, क्या राहुल के लिए इंसाफ की आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए? संगीत रागी करौली में इंसाफ की आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में इंसाफ की आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए? देखिए अमीश भाई, आप कई विषयों को एक साथ गड़मड़ करके चल रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हाथरस की बेटी यानी दलित लड़की को रेप किया गया, उसको मर्डर किया गया और रात में उसको जला दिया गया पुलिस के ज़रिए, आप उसको राहुल से जिसका अनर किलिंग हुआ है, जिसको जो है इसलिए मारा गया है कि उसने एक लड़की को छेड़ दिया, लड़की के साथ जो मामला था ये तो बहुत पहले से होता आया है, आनंद किलिंग का मामला आप उस बेटी के साथ रेप के साथ मत जोड़िए। राहुल पर तो आपने एकदम सर्टिफिकेट बांट दिया, आपने कोई सीबीआई लगा रखी है? मौलाना साजिद रशीदी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपका एमबीआई के मामले से आपने एमबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करा, मौलाना साजिद रशीदी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक इन्वेस्टिगेशन करा जिसमें बोला कि राहुल की तो ऑनर किलिंग है। आगे बलरामपुर पर क्या कहना है? और वो जो पुजारी को पेट्रोल डाल के चला दिया उसके बारे में आपके क्या विचार है? आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम वहां कहां तक पहुंची है? तो आप मेरे पास आए हैं। नहीं, आप आधे घंटे में तो आप मेरे पास आए हैं, तो कम से कम एक दो मिनट तो बोल लेने दीजिए मेरे भाई। आप दो मिनट बोलिए लेकिन सवाल का जवाब दीजिए ना मेरे। दलितों की मुसलमानों की आवाज इतनी मत दबाइए। देखिए दलितों की मुसलमानों की आवाज इतनी मत दबाइए, ये आवाज अब दबने वाली नहीं है, ये आवाज उठ चुकी है और उठेगी। उसको उठाने वाला चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या भीम आर्मी के कोई भी आदमी हो, जो भी नेता आवाज़ उठाएगा ये आवाज़ उठती चली जाएगी। मैं फिर मुद्दे पर आता हूँ। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, एक मैं उनका सम्मान करता हूँ कि साहब वाल्मीकि की रामायण को हम मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम रामायण को मानते हैं, लेकिन क्या आप आज भी वाल्मीकि को, आज भी दलितों को मंदिर में जाने की इजाज़त देते हैं या किसी आपके स्वर्ण मंदिरों में कोई दलित पुजारी है या उनको वहाँ पूजा करने की इजाज़त है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, संगीत रागी ने कुरान पर सवाल उठाया, मैं कहता हूँ ये बात कुरान के अंदर है।
अगर इस्लामी कानून को आप हिंदुस्तान में नाफिज कर दें, किसी में हिम्मत नहीं चोरी करने की, किसी में हिम्मत नहीं रेप करने की, किसी में हिम्मत नहीं डकैती डालने की, आप करके तो देखिए। कुरान तो इतनी सच्ची और पक्की किताब है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ने लगे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। डॉक्टर त्रिवेदी जवाब देंगे, डॉक्टर त्रिवेदी जवाब देंगे, लेकिन राहुल पर तो इन्होंने क्लीन चिट दे दी सुधांशु त्रिवेदी की। राहुल का मामला तो ऑनर के लिए है, इन्होंने वो जो पुजारी को पेट्रोल से जला दिया गया उस पर बोलना भी मुनासिब नहीं समझा। हाथरस पे पिछले 17 दिनों से ये बोल रहे हैं, लेकिन मामला भी दलित बेटी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पुजारी का मामला भी दलित बेटी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। बलरामपुर में भी दलित बेटी का रेप हुआ है, हाथरस पे तो रेप कंफर्म नहीं है जो मेडिकल रिपोर्ट है, लेकिन बलरामपुर में भी दलित बेटी के साथ रेप हुआ है। लेकिन आरोपियों के नाम देखकर आपने सहूलियत समझी कि उस पर नहीं बोलेंगे? बलरामपुर पे क्यों चुप्पी है? उस बेटी के साथ तीन हादसे हुए हैं, सुधांशु का नहीं दिया। मर्डर नहीं, जिंदा जलाया गया है। आपकी देखिए, इन्होंने राहुल के बारे में कह दिया ऑनर किलिंग, और ऐसे बोल रहे हैं ऑनर किलिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि जहां तक मेरी जानकारी लड़की के बयान में तो लड़की ने अपने घर वालों को दोषी कहा है और लड़की को नारी निकेतन भेज दिया गया है, यानी उसने सीधे माना है कि वो प्रेम का मामला था। और जहां तक मेरी जानकारी है, राहुल भी ऊंची जाति से नहीं है, परंतु उसके लिए कोई दर्द नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने जो ये बात कहने की कोशिश की, हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है, ये सवर्णों का मंदिर, ये ठाकुरों का मंदिर, या ये पंडितों का मंदिर, ये जैनियों का मंदिर, ये यादवों का मंदिर, ये जनाब आपके यहाँ का मामला है, ये शिया की मस्जिद, ये सुन्नी की मस्जिद, ये अहले हदीस की मस्जिद, ये देवबंदी की मस्जिद, आज भी नहीं जाने। दूसरी बात, आप तो घरों में नहीं जाने देते, आप बोल रहे तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आपके दलित आ जाते हैं तो घर को धोते हैं आप? अरे भाई, आप पांच मिनट पे आके डिस्टर्ब करने लगे, अरे भाई आप मेरी बात कीजिए, आ जाता है दलित से हाथ नहीं मिलाते आप, मैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था ना, और कहते हैं बाद में कि मौलाना साहब मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, कृपया अपने अपने टर्न पर बोलिए। वाजिब बात, अगर दलित से इतनी हिमायत है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों का आरक्षण क्यों छीना? जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को क्यों दिया? जम्मू कश्मीर जिसके बारे में आप कहते हैं एकमात्र स्टेट जो मुस्लिम बाहुल्य थी, वहां दलित को आरक्षण क्यों नहीं था? जम्मू कश्मीर में 10 महीने से मुसलमान कैद क्यों है? और दूसरी बात है आपके पास, अगर आप ये बात कहना चाहते हैं मुसलमान कैद क्यों है, फिर लेके बीच में बोल रहे हैं, उनको लगातार बोल रहे हैं मौलाना साहब, क्योंकि इनके लिए फैक्ट अनकंफर्टेबल हो गए जम्मू कश्मीर में। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कुरान के कानून को ना, क्या तरीका है मौलाना साहब? कश्मीर में मैं किसी का भी डिस्टर्ब नहीं करता, साजिद रशीदी आप को डाउन कर रहा हूं, मैं बोल सकता था, आप बोल लीजिए तब मैं बोलता हूं, बोलिए डॉक्टर त्रिवेदी। अब मैं बोलता हूं, इन्होंने कहा कुरान का कानून नाफिज कर दिया जाए, चोरी नहीं होगी। बिल्कुल जनाब, अरे तो नाफिज अपने पर तो करिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ सिविल में क्यों चाहिए, कहिए क्रिमिनल में चाहिए। हिंदू चोर चोरी करेगा 6 महीने की सजा, मुस्लिम चोर चोरी करेगा हाथ काटे जाएंगे। बोलिए बोलिए रशीदी साहब, बोलिए, नहीं छोड़ रहे हैं आप उनको, अगर 10 महीने से आप नहीं छोड़ रहे हैं उनको, पत्थर मार मार के मारे जाएंगे, 10 महीने से आप नहीं छोड़ रहे हैं उनको, क्रिमिनल में तो मुझे इंडियन कोर्ट चाहिए, कश्मीर के मुसलमानों से इतने चाहिए। अरे अगर पक्के हैं तो कश्मीर के मुसलमानों से इतने हुए हैं, वापिस करो, फिर हिंदुस्तान आजाद नहीं करते उनको, बताओ जवाब हक नहीं है? आप कहते हैं हिंदुस्तान के साथ आओ, क्या हिंदुस्तान का लागू नहीं होता? हिंदुस्तान का संविधान उन पर लागू नहीं होता? उनको कैद करके डाल दिया आपने, कि हमें कैद करके डाल दिया 10 महीने से आपने, वरना भाषण बंद करिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और शर्म तो आपको आनी चाहिए, आपको भाईचारा गजब का देखा है भाई, शिया सुन्नी को मारता है, मुसलमानों से इतना डर गए, सुनिए, शिया सुन्नी को मारता है, दोनों मिलकर अहमदिया को मारते हैं, और तीनों मिलकर किसको मारते हैं, वो कहते हैं मुहाजिर को मारते हैं, और सब एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे को मारते हैं, गजब है भैया, आपके हाथ में तीन तोपे बंदूकें बम लेके लड़ाई होती है, ठीक है, सुन्नी में यमन में लड़ रहे हैं, कश्मीर के पाकिस्तान में कहां लड़ रहे हैं, कश्मीर के अफगानिस्तान में किस तरह, साजिद रशीदी ये चर्चा कश्मीर पे नहीं है, लेकिन आप बार बार कश्मीर के मुसलमान लाके आ रहे हैं वहां पर, कश्मीर में उनको सीने से लगा, आप कश्मीरियों को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख रहे हैं, मैं कश्मीरियों को हिंदुस्तानी के नजरिए से देख रहा हूं,
मैं कश्मीर के मुसलमान परेशान नहीं है, कश्मीर का अलगाववादी ब्रिगेड परेशान है जिसे परेशान होना चाहिए। कश्मीर का कश्मीर के बाशिंदे खुश हैं। और देखिए ये 370 पर बहस नहीं है, 370 पर इस देश में 70 साल बहस हो चुकी थी। 300 आवाज डाउन करिए इनकी, आप 370 पर इस देश में 70 साल बहस पूरी हो चुकी है। पंडित नेहरू ने कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, घिस गया 2019 के अंदर। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को लगा इसको घिसना चाहिए, घिस गया। उसका रोना बंद करिए आप, 370 गया, 370 इतिहास था। आज में रहिए, आज में और अभी भी। आज और अभी की बात यह है, जिसको आपने ऑनर किलिंग कहा है, जिस पर आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन का पूरा फैसला सुना दिया है, उस पर जांच चल रही है। उसमें प्राइम एफएसी यह सबूत मिल रहे हैं कि लड़के को लड़की से प्यार था, लड़की को लड़के से प्यार था, इसी ने लड़की के भाइयों ने उनको मार दिया। लड़की के भाइयों का नाम सुनने के बाद आपने बोला ये ऑनर किलिंग है। और पुजारी जिसको जिंदा जला दिया गया, माफ करिए वो पुजारी ना होता कोई और होता, यही बात कहते आप? बोलिए साजिद रशीदी। दलित की बेटी से क्यों मिला रहे हैं भाई आप? यही आपकी पत्रकारिता है, दलित की बेटी से पुजारी का मर्डर को मिला रहे हैं आप? मेरी नजर में न्याय न्याय है, चाहे पुजारी हो, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे बलरामपुर में दलित की बेटी हो। आप विक्टिम को दलित हिंदू मुसलमान करके देखते हैं। दलित की बेटी को मैं विक्टिम को विक्टिम की तरह देखता हूं। रेप भी हुआ है, उसका मर्डर भी हुआ है, उसको रात में जलाया भी गया है। राहुल पर क्या बोलोगे मौलाना? रेप हुआ है, राहुल पर क्या बोलोगे मौलाना? जलाया गया है। बलरामपुर पे क्या बोलोगे मौलाना? इंसाफ दिला दीजिए मौलाना। क्या बोलोगे बलरामपुर पे आप मौलाना? क्या बोलोगे पंडित को जो मार दिया, बोलो क्या बोलोगे? दिलवाइए इंसाफ, दिलवाइए इंसाफ। संगीत रागी हुआ है, जांच होगी, पता चल जाएगा। संगीत रागी, यहाँ जांच भी हो गई और फैसला भी आ गया, सुना आपने? अमीश देवगन जी बोलिए, रागी साहब। अमीश देवगन जी देखिए, 1991 से लेकर के आज तक विश्व हिंदू परिषद ने हजारों पुजारियों को ट्रेनिंग किया है, दलित पुजारियों को। एक उनका प्रकल्प ही है जो इस पर काम करता है, और देश के कम 4000 मंदिरों में दलित पुजारी काम करते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद के वेबसाइट पर जाकर के देख सकता है कोई। दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये दलित मुसलमानों के कॉम्बिनेशन का जो पॉलिटिक्स था, सर सैयद ने शुरू किया था और जिन्ना ने इसको धार दी थी। इसके बाद भारत के एक मंडल साहब थे जो जिन्ना की कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर बने थे, अंबेडकर जी ने उन्हें पत्र क्या लिखा था मालूम है? उनको जब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था तो अंबेडकर जी ने कहा था, डोंट ब्रिंग डिसरिप्यूट योर रिलीजन बाय कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम। अपने धर्म का अपमान मत करना इस्लाम में कन्वर्ट होकर के। और वही मंडल साहब लौट कर करके कलकत्ता में अपनी जीवन गुजार दिया, वहां से लौट करके आया, कहा कि यह जाहिलों और जानवरों का देश है पाकिस्तान, ये मुसलमानों के बारे में उनकी राय बनी थी। तीसरी बात मैं कहता हूं, आप एक ऐसे समाज के साथ आप जीने के लिए आज मजबूर हुए हैं जिसके आसमानी किताब कहती है कि आप काफिरों को मारो, बेशक वो तुम्हें इच्छा नहीं करती हो, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है कि काफिरों का कत्ल करो, उसकी बोटियां तोड़ो। मुझे लगता है विषय पर रहना चाहिए, विषय पे ये धार्मिक बहस नहीं है, विषय पर रहिए प्लीज। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है भाई, इस देश का हिंदू समाज अभी वक्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं आया। बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, इस देश का हिंदू समाज पता चल जाएगा आपको। जागो, अभी वक्त नहीं आया, संगठित करो अपने आप को। रागी साहब मेरा निवेदन स्वीकार करें आप, बोलिए साजिद रशीदी बोलिए आप। अभी अमीश मुझे जवाब देनी दीजिए इनका, प्लीज सर बोलिए। देखिए ये कुरान का जो पाठ पढ़कर बता रहे हैं, कुरान में है लेकिन हिंदुस्तान में जिहाद का हुक्म नहीं है।
हिंदुस्तान कुरान पहले आया था, देश है कुरान पहले आया था, हदीस नहीं आया था, के साथ रह रहा है और सरिया पहले अरे नहीं आया था। अरे आप छोड़िए छोड़िए, आप प्रोफेसर कैसे हैं हमें नहीं पता, कैसे आप तो मुझे लग रहा है फर्जी डिग्री खरीद कर प्रोफेसर बन गए, क्योंकि आप तो डिग्री खरीद कर प्रोफेसर बन गए, शायद प्रोफेसर हूँ, मुझे नहीं लगता, मैं कोई मदरसा मुझे नहीं लगता आपने पढ़ा होगा, प्रोफेसर बना, आप तो डिग्री खरीद कर बन गए प्रोफेसर, दाढ़ी बना करके और तीखी टोपी पहन खरीद कर बन गए प्रोफेसर बना हूँ, और संघ से आपका कोई लेना देना नहीं, माफ कीजिएगा, संघ से आपका कोई लेना देना नहीं है, दाढ़ी और टोपी माफ कीजिए, संघ से आपका कोई लेना देना नहीं, संघ आपको मुंह नहीं लगाता, संघ आपको मुंह नहीं लगाता, पर्सनल ना हो किसी के लिए भी, मैं आपके साथ क्या क्या मामला थे अगर मैं खोलना शुरू करूंगा आप चुप हो जाओगे, बोल नहीं पाओगे, मुझे किसी से बोल नहीं पाओगे आप, नहीं विषय पे रहिए ना, ये हिंदू है ना मुसलमान, ये न्याय की बात है जी, मदरसे के मौलाना से एक सेकंड, ये मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ, ये तरीका नहीं है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि न्याय की बात करिए ना आप लोग, अबे अबे दुबे बोलिए आप, अबे दुबे करौली पर और राहुल पर बोले, आपने हाथरस पे काफी देर बोला, आप इस पर भी बोले ना, आप हाँ आपकी बात से एक बात साफ होती है कि राहुल को न्याय नहीं मिला, बलरामपुर में भी न्याय नहीं हुआ, अमित शाह साहब योगी जी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गंभीर आरोप लगाया और सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी लगाया कि न्याय नहीं मिला उनको और नहीं बोल रहा है कोई, आप इसका संज्ञान लीजिए, न्याय कीजिए, और अमीश देवगन जी ने 20 दिन तक शो करा था, जमातियों का बोला ना साथ, मैं उस शो में था, दिल्ली में आ गया है, कब गिरफ्तार होगा अमित शाह साहब, कब गिरफ्तार करेंगे, पार्टियां देना बंद करिए अपराधियों को, अमित देवगन जी का गला दुख जाता है मुद्दा उठा उठा करके, आप कार्रवाई नहीं करते अमित शाह, चलिए आपको मेरे गले की चिंता है ये जानकर अच्छा लगा, मेरे गले की चिंता है मुझे ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन आपके मुख से और आपके गले से राहुल के बारे में इंसाफ के लिए, पुजारी के बारे में इंसाफ के लिए कुछ क्यों नहीं निकल रहा आपके गले से, आपका गला क्यों नहीं खुलता, मैं तो दुखने की तो बात छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं खुलता क्यों नहीं है इनके इंसाफ के लिए, राहुल गांधी जी का गला क्यों नहीं खुलता इनके इंसाफ के लिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ब्रेक के बाद आता हूं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपके पास आऊंगा असीम बकार, ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं आर पार और इस दौर में मैं सीधा असीम बकार साहब का रुख करता हूं, असीम बकार मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है आपसे, मैं आपसे 5 सेकंड का आपको समय दूंगा और मेरा सवाल सिर्फ यह है, क्या राहुल के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए, क्या बलरामपुर में इंसाफ नहीं होना चाहिए, क्या करौली में इंसाफ नहीं होना चाहिए, 5 सेकंड आपके पास है सर, किसने आपसे कहा इंसाफ नहीं होना चाहिए और कौन आपको इंसाफ की लड़ाई से रोक रहा है, उसका नाम का खुलासा कीजिए, क्या किसी ने कहा आपसे कि इंसाफ की लड़ाई मत लड़िए, अगर किसी ने कहा है तो यहाँ टीवी पे खुलासा कीजिए, ना मुझे तो क्यों, मुझे तो कौन रोकेगा, मुझे तो कौन रोकेगा, मैं तो जनता का नुमाइंदा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इसका आप जवाब देंगे, एक बाइट दिखाता हूं मैं आपको राहुल की मां की, रशीदी साहब आपको भी दिखाता हूं, उस मां की दर्द को सुनिए, व्यूअर्स आप भी देखिए, आंखें खोल के देखिए, प्ले करिए बाइट, बाइट प्ले करिए पीसीआर, हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस, जितने भी बंदे ना सबको सजा मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा तो कोई भी नहीं आवा आगे पीछे, मैं तो बर्बाद हो गई बिल्कुल ही, अरे डिमांड हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस, जितने भी बंदे ना सबको सजा मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा तो कोई भी नहीं आवा आगे पीछे, मैं तो बर्बाद हो गई बिल्कुल ही, ओ मेरा आदमी के जीवता कहीं आगे लगा दी, ओ मेरा आदमी के जीवता कहीं आगे लगा दी, साजिद रशीदी जिस पर आपने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया था, इंसाफ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इन्हें क्यों नहीं कोई नेता गया इधर, क्यों आप लोग नहीं बोले, पूछता हूं मैं आपसे, देखिए इंसाफ मिलने, नहीं 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 सुनिए, इंसाफ ना मिलने पर कोई भी नहीं कह सकता कि इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आपने जो गड़बड़ किया है ना हाथरस की बेटी के साथ, आपको गड़बड़ लगेगा, ये नाइंसाफी है, सुधांशु त्रिवेदी लास्ट वर्ड 10 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी देखिए अफसोस ये है कि इस देश में अपराध, अपराध से पीड़ित, अपराध को करने वाला अपराधी और आतंकवादी,
हर चीज जात और मजहब के नजरिए से देखी जाने लगी है। इसलिए इस बच्ची की माँ, बच्चे की माँ जो गुहार लगा रही थी, इंसाफ कभी हो नहीं सकता। और रशीदी साहब से सिर्फ मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने भी बहुत बोला था ना कि हमारे हिसाब से तो ये रूल हो जाना चाहिए, तो ये बताएं कि इस बच्चे के हत्यारों का उनके मजहब के हिसाब से वो एक बार बोल दें कि ये बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राहुल की माँ की आंखों को देखकर, उनकी जो आंखें नम है, वो जिस तरह से गुहार लगा रही है, आंखें भर आती है। चाहे हाथरस हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे राहुल हो, चाहे करौली में पुजारी की हत्या हो, इंसाफ तो सबका होना चाहिए, चश्मा एक तरफा नहीं होना चाहिए। नमस्कार।